तो आप लोग सब देख ही रहे हैं पिछले दिनों में कि मेरी सांठगांठ इन आदर्श और परिणीता के साथ चल रही है। तो बस जैसा कि हमेशा हर चीज़ मैं रागिनी के लिए ही करना चाहती हूँ, यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं जो मैंने रागिनी के लिए रखी हैं ताकि उसका भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। बस वही मुझे क्या लगता है कि ये लोग थोड़ा मेरे साथ कुछ गेम खेलने वाले हैं तो उनको धमकी देकर जाती हूँ। इतनी बड़ी धमकी दे रही, मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या बात है? जो धमकी तो कुछ नहीं, ये इस वक्त यहाँ जायदाद के मालिक बने बैठे हैं, पर जायदाद के जो कागजात हैं वो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, तो बस उसी बिना पर इनसे जो चाहूँगी वो करवा लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ही, मैं मतलब पार्वती गरोड़िया की ज़िंदगी सिर्फ अपनी पोती के आसपास घूमती है, तो मुझे जो कुछ चाहिए वो अपने रागिनी के लिए चाहिए और वही मैं इनसे मांग रही हूँ। जैसे कि बात की जाए पर्सनल, जैसे गणपति जी आए हैं, फेस्टिवल चल रहा है, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया? इस बार मेरे अपने घर में तो पापा को मैं नहीं बुला पाई थी, लेकिन कुछ ख़ास मित्र लोग हैं जिनके यहाँ पर गणपति जी आए थे और वहीं हमने सेलिब्रेट किया, और हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जो 10-11 दिन होते हैं, मज़ा आता है। फेस्टिवल भी होता है और इंजॉयमेंट भी होती है, आप आसपास के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे मिलना भी हो जाता है जो आमतौर पर शूटिंग करते वक्त नहीं हो पाता है, तो इस बहाने से सबसे मिल लेते हैं, शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है सीन अभी तो फिलहाल? बस ये तो रोज़ कुछ नया इंटरेस्टिंग होता रहता है, हमें भी इतना ही पता है क्योंकि आगे क्या होने वाला है, कहानी में क्या ट्विस्ट आएंगे हमको एक्चुअली नहीं पता होता। स्क्रिप्ट आते हैं, यहाँ पर मिलती है और वही हम शूट करते हैं, तो फिलहाल तो यही बहुत है। इससे ही समझ आ रहा है कि आगे कुछ और बड़ा धमाका होगा ही, क्या होगा पता नहीं। और मैम जैसे परिणीति जी का क्या प्लान, क्या है इसमें जो आगे जो ये लोग कुछ? मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है आगे क्या प्लान है। जैसे मैंने आपको बताया, हम जब आते हैं सेट पे तभी हमें स्क्रिप्ट मिलती है, इस वक्त कुछ ऐसी ही हालत है, और बस जो स्क्रिप्ट मिलती है वो सीन हम कर लेते हैं। तो जो आपने मुझे पूछा आज जो मैंने किया वो मुझे पता है, इसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि आज तक स्वरागिनी सीरियल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और सराहा है, और हमारे पास मतलब एक बहुत अच्छी ऑडियंस हमेशा रही है, और आप लोग ज़रूर देखते रहें क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे धमाके हैं और कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा। स्वरागिनी क्या? तो कैसे? राजा जी, अपनी तो पार्वती जी के उस इंटर से साथ था ना? तुम फोन रखो, तुमसे बाद में बात कर। लाडो के वापस आते हुए 40
अब मैं चलती हूँ। ए परिणीता, चलो अच्छी बात, जल्दी समझ में आ गया। अभी चलती ए परिणीता, बहुत आए यहाँ तक आऊ। ए परिणीता, थाई माँ ने इतना भी ना सिखाया कि जब कोई घर से जावे तो आपको दरवाजे तक छोड़ दे।